आशुतोष जी, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में ये पोस्टर लगे हैं और आप लोग या सभी पार्टियां ये कहती हैं कि हम कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करते हैं। अगर सर कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करने लगेंगे तो गठबंधन में बात बिगड़ जाएगी फिर। धन्यवाद। रिपब्लिक भारत को मैं लगातार देखता हूँ और मैंने जब जब देखा तो रिपब्लिक भारत के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं या एंकर बोलते हैं कि देश का नंबर वन चैनल रिपब्लिक भारत है, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है ना। जिस प्रकार के आपकी संस्थान के प्रति आपकी उत्तरदायित्व होता है, आप चाहते हैं कि आपका संस्थान नंबर वन हो, उसी प्रकार से देश की पार्टियों में कार्यकर्ता, आप तो फिर भी सैलरीड हैं, यहाँ कोई सैलरी नहीं, यहाँ दिल से लोग होते हैं कार्यकर्ता, वो चाहते हैं अपना नेता सर्वोच्च स्थान पे हो। कल क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है तो उनके जन्मदिवस के तमाम पोस्टर्स लगे हैं, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में पोस्टर लगे हैं, पूरा लखनऊ पटा हुआ है, तो उसी में किसी कार्यकर्ता ने लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों से कोई राजनीति तय नहीं होती, ये भी आप भी जानते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे संबंध रखने वाले लोग बहुत बोलते थे कि दो लड़कों की जोड़ी क्या करेगी, पहले भी फेल हो गई है, तो इस बार फेल किस कौन हो गया है, पास कौन हो गया है, ये 2024 के इलेक्शन और भारत के मतदाताओं ने बताया है। जो भारतीय जनता पार्टी जिसके 90 MP हार गए हों, जिसके 20 मिनिस्टर हार गए हों, वो अब भी अपने आप पे दम भरती है और जनादेश का पालन, जनादेश जो मिला है उसको समझ नहीं पा रही है, तो इसमें हमारा क्या जाता है? हमारे सब के सब जितने भी नेता हैं, सब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि यही तो कंफ्यूजन जनता में हो गया कि अगर आपके सभी नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो चुने किसके चेहरे पर, जनता भरोसा किस पर जताए कि कौन देश को आगे लेकर जाएगा, कौन देश को मजबूत करेगा, इसी कंफ्यूजन में इतना बड़ा कुनबा बन भी गया लेकिन जनता भरोसा नहीं कर पाई। जी देखिए, ये आपका विश्लेषण हो सकता है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अभी सिद्धार्थ जी से पूछूंगी, यही कहेंगे, देख लीजिएगा जो भी कह रहे हैं, मैं उन्हीं को कोट करके कह रहा हूँ, जो भी 543 सीटें में MP चुन के आए हैं, चाहे हमारे जीत के आए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, वो इस देश की जनता ने जिता के भेजा है। बड़ा सवाल ये है कि कौन ऐसी पार्टी है जो पिछले चुनाव से अब चुनाव में 90 अपने MPs को हरा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी है। जनता ने किसको हराया है? भारतीय जनता पार्टी को हराया है। किसके 20 मिनिस्टर्स हारे हैं? भारतीय जनता पार्टी की हारी है। अगर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आत्मुग है तो ठीक है, क्या परेशानी है? अच्छा। हम तो चाहते हैं वो ऐसे ही आत्मुग रखें, कुछ ही दिनों की बात है, ये सरकार जब तक बैसाखी में चला रहे हैं चलाएं, हमारा नंबर आने ही वाला है, हम जल्दी सरकार बनाएंगे इस देश में। आशुतोष जी, मैं और मेहमान के पास जाती क्योंकि आपने कहा ये कब तक बैसाखी पर सरकार चलाएंगे। सर चलिए, आप कह रहे हैं वो बैसाखी पे, तो आप लोगों ने तो बैसाखी जोड़कर ही सरकार बनाने की कोशिश की थी, इतने सारे नेताओं, इतने सारे पार्टियों को जोड़कर एक गठबंधन बनाया, क्या वो बैसाखी नहीं थी? और अब उसी बैसाखी के हर एक नेता या हर एक कोना कह रहा है कि भाई हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे नेता चेहरा होंगे इस गठबंधन का। देखिए, अहंकार की हार हुई है, ये जनता ने बताया है। 400 पार का नारा हमने नहीं दिया था, 400 पार का नारा 56 इंच के सीने वाले ने दिया था। मोदी की गारंटी हमने नहीं दी थी, मोदी की गारंटी, देश की गारंटी वो हमने नहीं दी, वो सब सफाया कर दिया गया है जनता ने। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना है, हमको नहीं करना है, हम जहाँ हैं हम सही हैं और हम आगे प्रगति के पथ पे हैं। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये जनता डिसाइड करती है। अच्छा, हम और आप नहीं डिसाइड करते हैं। और जनता ने अपना जनादेश दिया है इनके 90 MPs को हरा के, अच्छा, इनके मिनिस्टरों को हरा के। ठीक है सर, मैं प्रोफेसर विशाल मिश्रा के पास जाऊं क्योंकि अभी सिद्धार्थ जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही, मुझे बताया जा रहा है, उसके पहले एक रिएक्शन वरुण जी से ले लेती हूं। वरुण जी, क्या ये माने कि अखिलेश यादव को लेकर जो पोस्टर लगे हैं सिर्फ कार्यकर्ताओं की इच्छा है? कम से कम गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है, नेताओं में कहीं कोई ऐसी बातचीत नहीं होती है? और अगर गठबंधन जीत जाता तो PM चेहरा कोई भी होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी PM बन जाता, कम से कम लड़ाई नहीं होती। अनामिका जी, आपने एक बात कही कि कन्फ्यूजन था जनता के बीच में, इसलिए जनता ने विपक्ष को पूरी सीटें नहीं दी। मैं तो कह ही रहा था ये बात, मोदी जी का क्लेमर रानी विपक्ष का बनानी, 4 जून को विपक्ष को दुख होगा कि और मजबूती से लड़ते तो सरकार बनाती।
आपने जो बात कही इससे ये क्लियर हो गया कि अगर नेता दिखा देते, फेस दिखा देते प्रधानमंत्री का, तो मोदी जी एक 240 भी नहीं ला पाते। कैसे? ये तो क्लियर बात हो गई। हाँ। दूसरी बात ये नहीं, अब सुन तो लो मेरी बात, तो सुन लो मैं आपकी बात। अभी इन्होंने बीजेपी वाले कह रहे वैकेंसी वैकेंसी, ये कोई प्रधानमंत्री पद कोई नौकरी होती है क्या? वैकेंसी नहीं है, ये फासिस्ट सोच है। अच्छा। जनता चाहे जिसको, किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री चुन सकती है, इनकी सोच की बात है। अब आप बात करो अखिलेश जी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर क्यों लगाया, भाई कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, ममता दीदी भी बन सकती है, अखिलेश, डिंपल, प्रियंका, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। ये तो जब अभी चुनाव तो है नहीं, अभी तो चुनाव संपन्न हुआ, अब एक दो साल में चुनाव होगा, मिड टर्म पोल तो होना निश्चित है। अच्छा। उसमें डिसाइड किया जाएगा। अच्छा। और क्योंकि हमारे गठबंधन में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, स्थानीय इश्यूज, पंचायत इश्यूज, नगर निकाय के इश्यूज अपने हिसाब से नेता कार्यकर्ता तय करते हैं। तो आप ये कह रहे हो दिल्ली में क्यों कर, दिल्ली एक राज्य है तो वहाँ के कार्यकर्ता अपने हिसाब से इश्यू तय कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय इश्यू, नेशनल इश्यूज हैं, तो आपको गठबंधन एक दिखा है पूरे देश में, जब भी तो ये हाल हुआ मोदी जी का, और फेस कर देते, आप खुद ही कह रहे हो, तो फेस अगर आ जाता प्रधानमंत्री पद का तो मोदी जी रह जाते। ये कुल मिला के बात जो कंपटीशन की बात नहीं है, अकेले कार्यकर्ता है। मेरी भी इच्छा थी कि प्रियंका जी चुनाव लड़े, अब लड़ रही है वायनाड से, मैं तो 20 साल से कह रहा था। ये तो इच्छा होती है हर आदमी की, लाइकिंग होती है, कोई किस चैनल को पसंद करता है, कोई किस चैनल को पसंद करता है, अपनी अपनी लाइकिंग है। आप तो ये जो चाहते हैं उन्होंने रिपब्लिक की बात से शुरुआत की, तो आप कोई किसी चैनल को पसंद करता है, मतलब गठबंधन है तो बात भी नहीं, 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 बढ़ाएंगे आगे। हाँ। पिक्चर की बात कर लेते। अच्छा। अरे नहीं नहीं नहीं, टीवी पे नहीं, आप खेल की बात कर लो, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, अलग अलग पसंद है, खेल अलग पसंद है, किसी को क्या पसंद, किसी को। आपने जो बात कही, मुझे लग रहा सिद्धार्थ जी तक बात पहुंच गया होगी, लेकिन जो आशुतोष जी ने बात कही वो सिद्धार्थ जी तक नहीं पहुंची है। वरुण पुरोहित जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने सुन लिया होगा, वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तय है, ये हम मान के चल रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं कि अहंकार में डूबी हुई सरकार है, कुछ अता पता नहीं है, बैसाखी पे सरकार आपकी चल रही है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ जी तक मेरी आवाज अभी भी नहीं जा रही है, मैं वापस उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। विशाल जी, अहंकार में डूबी हुई सरकार है, वरुण जी कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन तय है, आप लोग तो बहुत राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, रहते हैं, इन सब के बीच जरा बताइए कि क्या तस्वीर बन रही है, क्या सिनेरियो है इस वक्त देश में इलेक्शंस को लेके और सरकार को लेके। अभी हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और अपने एक और जो है मित्र को सुन रहा था पैनल पे। अब मैं शुरुआत करता हूँ, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सरकार बैसाखी पर है और क्या हुआ गारंटी का, ये तमाम सारी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि पार्टी के सभी लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है मनोहर, आपका कहना सही है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बातें कही कि बैसाखी की सरकार है और जो है क्या हुआ गारंटी का, तो मनोहर मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि अब लगातार 3 बार जनता जनार्दन ने आपको विपक्ष में, प्रतिपक्ष में बैठने का अवसर दिया है, अभी आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो ये आप क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? और दूसरी बात, जो आप बैसाखी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जो एनडीए है उसका एक ऑर्गेनिक गठबंधन है, आपसे नहीं, 3 दशकों का, और आप अपनी बात कर लीजिए, जो आप बार बार बैसाखी कह रहे हैं, आप अपनी बात कर लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले तो लड़े थे साथ में चुनाव दिल्ली में और पंजाब में, तो नहीं लड़ पाए थे, और अब इस समय क्या हुआ, दिल्ली में क्या चल रहा है, क्यों नहीं स्पीकर के जो है पद पर जो है समर्थन जुटा पाए, बैसाखी कौन है, तो दिमाग सब देखिए, लोकतंत्र में देखिए, बिल्कुल सर, समर्थन भी नहीं जुटा पाए, समर्थन भी नहीं जुटा पाई, और इनकी ही अलायंस के नेता पहले तो साथ नहीं थे स्पीकर चुनाव पर, फिर बड़ी लंबी चौड़ी बैठक और बातचीत करनी पड़ी, उसके बाद टीएमसी के सांसद साथ में आए। विशाल जी आपकी आवाज बहुत साफ मेरे तक नहीं आ पा रही है, मैं इसलिए कहूंगी टीम को कि थोड़ा आपकी आवाज को क्लियर करें।